हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सनी। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल अंश कुमार स्टडी गुरु। तो दोस्तों, आज का सेशन है आइसोलेटर पे। आइसोलेटर क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। आइसोलेटर्स जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, वो एक सिग्नल को, जो सिग्नल हमारा इंडस्ट्रियल सिग्नल होता है, वो 4 to 20 मिली एम्पियर के टर्म में होता है। 4 मीन्स 0, 20 मीन्स 100%, 0%। अब इस सिग्नल को हमें कई बार जरूरत होती है कंट्रोल के लिए और डिस्प्ले के लिए। एक ही सिग्नल को अगर हमको एक से ज़्यादा प्लेसेस पे, यानी दो जगहों पे यूज़ करना होता है, तो हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। जो हमारे आइसोलेटर हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये आइसोलेटर, इसके स्पेसिफिकेशन, और ये सामने से कुछ इस तरह से दिखेगा। जहाँ पे हम जो ये पोर्शन है, यहाँ पे ये आउटपुट है, OP1 लिखा हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं आउटपुट 1, और ये इनपुट है, यहाँ पे IP लिखा हुआ है। इसमें से हम एक इनपुट देंगे 4 to 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में, और ये हमें दो आउटपुट देगा 4 to 20 मिली एम्पियर के टर्म में ही। ये दो आउटपुट है। इसे हमें सिंपली 230 वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है इसको पावर्ड करने के लिए, और कुछ कुछ जो आइसोलेटर होते हैं, वो 24 वोल्ट आउटपुट भी निकालते हैं। ये इनपुट था 4 to 20, आउटपुट 1 जो कि 4 to 20 ही होगा, वो इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आउटपुट 2 ये भी 4 to 20 होगा, जिसको हम रिकॉर्डिंग एज वेल एज डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको पावर्ड करने के लिए हमको सप्लाई की जो ज़रूरत होती है, वो सिंपली 230 वोल्ट AC की जरूरत होती है। जो और भी आइसोलेटर होते हैं इस तरह के, इसमें तो ये प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, लेकिन और भी में हमें 24 वोल्ट DC आउटपुट भी मिलता है। जिसको हम इंस्ट्रूमेंट को पावर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड पावर टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का सेशन आइसोलेटर के बारे में। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा।